गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का रविवार देर शाम 63 साल की उम्र में निधन हो गया। पारिकर पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे, जिसका इलाज एम्स के अस्पताल में चल रहा था। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पैनक्रियाटिक कैंसर होता क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और इससे बचने के लिए आपको किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। पैनक्रियाटिक कैंसर शरीर के अग्नाशय में होता है। बता दें, पाचन में ये मानव शरीर का सबसे प्रमुख अंग होता है। अग्नाशय में कैंसर युक्त कोशिकाओं के जन्म के कारण पैनक्रियाटिक कैंसर की शुरुआत होती है। इस बीमारी के शिकार ज्यादातर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग होते हैं। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा पैनक्रियाटिक कैंसर होता है। ये कैंसर हमारे शरीर में पेट और आंत के बीच होता है। हालांकि ये कैंसर दूसरे कैंसर की तुलना में कम होता है, लेकिन अगर इसकी शुरुआती स्टेज के बारे में पता न चल पाए तो ये जानलेवा हो सकता है। अब आपको जो बात समझाना बेहद जरूरी है वो है पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षण। पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के पेट में ऊपरी भाग में दर्द रहता है। उसकी त्वचा, आंख और यूरिन का रंग पीला होता है। उसे उल्टियां, जी मचलाने जैसी शिकायत रहती है। इस बीमारी के पीड़ित व्यक्ति को भूख कम लगती है। पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का लगातार वजन कम होता रहता है और उस व्यक्ति को हमेशा कमजोरी महसूस होती रहती है। पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षणों की बात की जाए तो ये रेड मीट और चर्बी वाले आहार का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से भी होता है। शरीर में मोटापा ज्यादा होने से भी व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो जाता है। अगर व्यक्ति को ज्यादा समय तक अग्नाशय में दर्द महसूस हो रहा हो तो भी इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में डॉक्टर से तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए। वैसे अधिक धूम्रपान करने से भी व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ सकता है, तो कई बार कई अनुवांशिक कारणों से भी ये हो सकती है। इस जानलेवा बीमारी के बचाव के लिए व्यक्ति को ताजे फलों का रस और हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। ऐसा करने से अग्नाशय कैंसर से लड़ने में लाभ मिलता है। इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने आहार में कम से कम मात्रा में रेड मीट और वसा वाले आहार को शामिल करें। पैनक्रियाटिक कैंसर से उपचार में ब्रोकली एक अच्छा विकल्प माना जाता है। ब्रोकली में मौजूद फाइटोकेमिकल्स से कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा ग्रीन टी, लहसुन, सोयाबीन और एलोवेरा का भी सेवन करने से काफी मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जर्नल डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती हैं देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।